हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम टेंसेस सीखेंगे। तो सबसे पहला टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज़ होता है? जब कोई एक्शन अभी हो रहा हो, राइट नाउ, अभी कोई एक्शन हो रहा हो तब, और या फिर वो रेगुलरली होता है तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस तभी यूज़ करते हैं जब हमें कोई फैक्ट्स बताना हो, यूनिवर्सल ट्रूथ्स बताना हो। जैसे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम तब बताते हैं जब कोई चीज़ अभी हो रही हो, हैपनिंग राइट नाउ, अभी हो रहा है, और या तो वो चीज़ हमेशा होता रहता है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने पर्सन्स होते हैं हमारे पूरे ग्रामर में। थ्री तरीके के पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो, जब किसी दो जन का कॉन्वर्जेशन होता हो तो जो पहला इंसान जो बोल रहा होता है वो आई होता है। तो जो दूसरा पर्सन उसके सामने होता है वो यू होता है। और अगर दोनों जन मिलके किसी तीसरे की बात करते हैं तो उसे ही, शी या इट के बारे में इट से बोला जाता है। अब वही जब प्लूरल फॉर्म, ये तो सिंगुलर फॉर्म का था, तो उसका फर्स्ट पर्सन यानी जो बोल रहा होता है वो आई होता है। जिसके साथ बोल रहा हो वो सामने वाला इंसान यू होता है। और अगर दोनों मिलके अगर किसी तीसरे की बात करते तो वो बनते हैं ही, शी या इट। तो ये होता है सिंगुलर, जब एक इंसानों की बात कर रहे होते हैं। जब एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं जब आता है प्लूरल। प्लूरल में आई होता है तो हम उसकी जगह वी यूज़ करते हैं। हम बहुत सारे लोग हैं तो हम वी से यूज़ करेंगे। यू तो यू ही रहता है, वो सिंगुलर के लिए भी यू होता है और प्लूरल के लिए भी यू होता है, वो दोनों कॉमन वर्ड होता है। और थर्ड फॉर्म के लिए ही और शी और इट की जगह हम यूज़ करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं आई एम फाइन, तो वही प्लूरल में जब हमें एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बोलना तो बोलेंगे वी आर फाइन, उसी तरीके से। चलिए अब देखते हैं कि सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट टेंस में को यूज़ किससे करते हैं, उसके साथ कौन से स्पेशल वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो जो सिंगुलर होता है उसके साथ सबके साथ लगता है डू, सिवाय ही शी इट के साथ। ही शी इट के साथ लगता है डस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबके साथ लगता है डू सिवाय ही शी इट के साथ। ही शी इट के साथ डस लगता है। तो इसका जो हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो सिंपली एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है रूट। रूट फॉर्म जो होता है वर्ब का उसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल है आई प्ले, फिर होता है यू रन। ये कंप्लीट सेंटेंस है लेकिन एक शॉर्ट सेंटेंस है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स है। ही ईट, अब आप लोग बोलोगे कि यार आपने तो डू और डस सिखाया है, वो कहाँ है? एक्चुअली जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है उसके अंदर डू होता है। जब हम इसी का क्वेश्चन या तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब उसका अंदर जो छुपा हुआ वर्ब फॉर्म है उसमें से बाहर निकलता है। जो फर्स्ट वर्ब होता है इसमें होता है वर्ब प्लस डू, इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। जैसे इसी की तरह इसके अंदर होता है वर्ब यानी जो हमारा प्ले है प्लस डू, इसके अंदर होता है रन जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब प्लस डू। लेकिन ये जस्ट बिकॉज ही के साथ है, हम हमारे रूल्स में एक एक्सेप्शन था डस, सिर्फ ही शीट के साथ लगता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ईट और इसके साथ डस है। जिसके अंदर भी हमें जब वही चीज़ मतलब बाकी पर्सन्स के साथ यूज़ करना पड़ता है, जैसे आई ईट, यू ईट, वी ईट, यू ईट, दे ईट बनता है। लेकिन जब वही डस के साथ यूज़ होता है तो वो बन जाता है ही ईट्स, शी ईट्स, तो वो ऐसे बन जाता है। तो अब देखें हम इनके क्वेश्चन सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे कि है आई प्ले, तो इसका
क्वेश्चन सेंटेंस बनेगा, डू आई प्ले, अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, आई डोंट प्ले, तो गाइस आप समझ गए होंगे कैसे खेलना है, समझो कि हम बना रहे सेंटेंस ही प्लीज, तो इसका क्वेश्चन सेंटेंस बनेगा डज ही प्ले, याद रखिएगा ये प्लेस यहाँ पे प्ले बन जाएगा क्योंकि इसमें से डज बाहर निकल चुका है, कि जो जब ही शीट के साथ कोई वर्ब होता है तो वो होता है वर्ब का रूट फॉर्म प्लस जब वो चीज़ ही के साथ यूज़ हो रही हो, तो हम उसको क्या बना देंगे, डज ही प्ले, तो डज बाहर निकल गया तो प्ले तो रूट फॉर्म में आ जाएगा, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ही डजंट प्ले, अब वही इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, ही प्ले, क्वेश्चन टैग कैसे बनाते, ओरिजिनल सेंटेंस लिखते, अब इसके अंदर से हम उसके वर्ब के फॉर्म्स लिखते हैं, डजंट ही, तो गाइस ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, इसके आगे के टेंसेस सीखने के लिए अगला वीडियो देखिए, थैंक यू।